वेलकम बैक प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा ट्वेल्थ क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और ये मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ कि अगर आप इन वीडियोज़ को ढंग से देखोगे सुनोगे समझोगे तो आफ्टर कम्प्लीसन ऑफ चैप्टर 95 परसेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव किसी भी बुक से अपने आप सोल हो जाएंगे तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास ट्वेल्थ अगर बात करें इंट्रोडक्शन की ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है मतलब ह्यूमन के अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर नहीं होता अगर बात करें सेकंड पॉइंट वीवी पैरस वीवी पैरस क्या होता है विच गिव बर्थ टू यंग वंस ये बर्थ टू यंग वंस देते हैं मतलब जो डेवलपिंग यंग वंस है वो यंग वंस की जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान ड्यूरिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या क्या इवेंट्स होती हैं वट आर द मेजर इवेंट्स तो ये जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ये इवेंट्स हम डिस्कस करते रहेंगे गैमिटोजेनेसिस जैसे नाम से स्पष्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इनसेमिनेशन प्रोसेस होती है आगे डिस्कस करेंगे हम इन दिस प्रोसेस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन मेल इनोकुलेट द सीमन इनसाइड द फीमेल बॉडी या गया कैसे होता है इवेंट ये डिस्कस करेंगे उसके बाद फर्टिलाइजेशन होएगा दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हमारे अंदर ह्यूमन फीमेल में होता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है कैसे होता है क्या क्या इवेंट्स ये हम डिस्कस करेंगे देन जाइगोट से फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा क्या है ब्लास्टोसिस्ट क्या स्ट्रक्चर है कहाँ फॉर्मेशन होता है ये हम डिस्कस करेंगे उसके बाद इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन क्या होता है जो डेवलप डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस कैसे अटैच होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन उसके बाद गेस्टेशन पीरियड चलेगा प्रेगनेंसी पीरियड टू एटी डेज का होता है उमन फीमेल के अंदर ये और जो लास्ट इवेंट आएगी आपकी वो होगा पार्चूरेसन बर्थ ऑफ यंग वन्स प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ यंग वंस ये हम डिस्कस करेंगे साथ साथ जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे ये इवेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं अगर एन सी आर टी की इंट्रोडक्शन में अगर एक लाइन लिखी हुई है देर इज ए ग्रेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन द स्ट्रक्चर अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे आगे ड्रॉ करेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं और जो इवेंट्स हैं मेल में और फीमेल में जो इवेंट्स हैं स्पेशली गैमिटोजेनेसिस मेल में सपरमेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर ओ इसमें भी बहुत डिफरेंस है ये क्या क्या डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन सपरमेटोजेनेसिस एंड ओ और यू कैन से कि डिफरेंस बिटवीन गैमिटोजेनेसिस इन मेल एंड गैमिटोजेनेसिस इन फीमेल ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं मेल के अंदर जो गैमिटोजनेसिस है वो थ्रू आउट लाइफ होता है आफ्टर प्यूबर्टी वो कंटिन्यू होता है एक बार प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो गया तो मेल के अंदर जो सफरम फॉर्मेशन है जो गैमिट है वो कंटिन्यू रहेगा लेकिन फीमेल के अंदर ओजनेसिस एक स्पेसिफिक एज आने पे 45 या 50 के, के आसपास जो फीमेल में गैमिट फॉर्मेशन है या ओजनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग है वो स्टॉप हो जाता है ये डिस्कस करने वाले हैं हम आगे इन डिटेल ओके फर्स्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर के अंदर है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर हम इसके अंदर हम इसकी आउटर अपीरेंस इसकी मोर्फोलॉजी इसकी अनटमी इंटरनल स्ट्रक्चर या इस्टोलॉजी और साथ में इसकी फिजियोलॉजी हम तीन टॉपिक यहाँ पे स्टडी करेंगे एक साथ आउटर अपीरेंस आउटर अपीरेंस स्टडी करेंगे फिर हिस्टोलॉजी स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर और फिर हम फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे फंक्शन कैसे करता है तो ये तीन टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है तो ये पैलविक रीजन में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे है पैलविक रीजन में है और जब सिस्टम की बात आ जाए ना जब बात सिस्टम की आ जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम जैसा कि पता आपको इट्स ए ऑर्गन सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम है और एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ए सिस्टम सिस्टम मीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गन प्रजेंट इन मेल विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन डेफिनेशन बन जाएगी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या जाएगा पेयर ऑफ टेस्टिस टू टेस्टिस होती हैं इनसाइड द स्क्रोटम असेसरी डक्ट्स हैं ये हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डक्ट हैं असेसरी ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी ग्लैंड हम ये पढ़ेंगे कॉपर प्रोस्ट्रेट और आपके सेमिनल वैसिकल ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन जो विजिबल फ्रॉम आउटसाइड हैं जो विजिबल फ्रॉम आउटसाइड है दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल जेनेटिलिया ये हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी को हम स्टेप बाई स्टेप स्टडी करेंगे अगर बात करें टेस्टिस की तो एक के कॉम स्टडी करेंगे इन सभी को इन डिटेल अगर बात करें टेस्टिस की टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल मेल के अंदर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया है बिकॉज दो बातें यहाँ पे एक तो ये प्रजेंट बाई बर्थ होते हैं टेस्टिस आर प्रजेंट बाई बर्थ और दूसरा प्रोड्यूस गैमिट्स जो ऑर्गन गैमिट्स बनाए उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेन सेक्स ऑर्गन है बाई बर्थ होता है और ये गैमिट्स बनाएगा आफ्टर प्यूबर्टी आफ्टर प्यूबर्टी प्यूबर्टी इज द एज एट विच प्यूबर्टी इज द एज एट विच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकम फंक्शनल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फंक्शनल हो जाएंगे और जब टेस्टिस फंक्शनल होएंगी जब टेस्टिस फंक्शनल होएंगी तो टेस्ट इज फंक्शन करेंगी टेस्टिस दो काम करेंगी एक तो गैमिट फॉर्मेशन गैमिट दो या सपरम फॉर्मेशन और दूसरा है दे रिलीज द हॉर्मोनस टेस्टिज हॉर्मोन छोड़ देंगी कौन सा टेस्टोस्टिरोन और दीज हॉर्मोन स्पेशली टेस्टोस्टिरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर ये हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे सेकेंडरी सेक्स करेक्टर क्या होते हैं आपको सभी को पता है दीज आर द करेक्टर विच अपीयर इन बॉयज आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी वो आप सारे टेंथ क्लास के अंदर पढ़ चुके हो ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द फेस ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन द आर्म पिट बॉडी बिकम मोर मस्कुलर ये सारा आप डिस्कस कर चुके हो ओके okay. अगला जो मेन पॉइंट है जो टेस्टिस की ग्रोथ है मेंटेनेंस है और मेंटेनेंस मतलब डेवलपमेंट ग्रोथ और इसके जो फंक्शन है किसके टेस्टिस के या दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गोनेडो गोनेडो ट्रोफिन वर्ड तोड़ लो गोनेडो मतलब है जो गोनेड्स टेस्टिस को आप मेल गोनेड भी बोल सकते हो एक ही बात है टेस्टिस आर द मेल गोनाइड्स एंड ओवर इज द फीमेल गोनाइड्स। गोनाइड्स होते हैं वो ऑर्गन गोनाइड्स आर द दो ऑर्गन इन विच गैमिट फॉर्मेशन टेक प्लेस तो ये बेसिक टर्म है जो आपके लोअर क्लासेज में आ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ तो टेस्टीज का जो ग्रोथ है मैंटेनेंस या इसका फंक्शन जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोफिन होता है कौन से कौन से गोनेडो एफ एस एच एंड एल एच फोलिकल स्टिमुलेटिंग एंड लूटनाइजिंग ऑर्मोन दो ऑर्मोन है ये कौन छोड़ता है एंट्रियर लोब ऑफ ए इनको रिलीज करता है कौन रिलीज करता है एंट्रियर लोब ऑफ ए पिच्यूटरी ये आपको क्लियर है अगला पॉइंट है मेल के अंदर इन ह्यूमन मेल टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एबडोमिनल मेल में बॉयज में टेस्टिस एक्स्ट्रा एबडोमिनल होती है मतलब आउटसाइड द एबडोमन होती हैं ये स्क्रोटम के अंदर होती हैं स्क्रोटम क्या है एक स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है विच हैंग बिटवीन द लेग स्क्रोटम क्या इसको है इसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं तो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एबडोमिनल अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो आता है जो टेस्टिस की अर्ली डेवलपमेंट है टेस्टिस की अर्ली डेवलपमेंट है वो इन एबडोमन होती है ड्यूरिंग फिटल स्टेज

बॉय बेबी होता है उसकी फिटस की बात हो रही है तो जब ये फिटस सेवन मंथ ओल्ड हो जाएगा सेवन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द बॉय फिटस जब बॉय का जो फिटस है प्रेगनेंसी स्टेज की बात हो रही है तो जब वो सेवन्थ मंथ का हो जाता है उस टाइम पे सेवन्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी पे जो ये टेस्टिस हैं जो ये टेस्टिस हैं वो डिसेंड हो जाएंगी डिसेंड हो जाएंगे और कहां आ जाएंगे स्क्रोटम में आ जाएंगे थ्रो इंजूनियल कैनाल थ्रो इंजूनियल कैनाल ये हम डिस्कस करने वाले हैं इंजूनियल कैनाल क्या होती है कब आती है ड्यूरिंग द सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्लियर एक कंडीशन होती है यहां पे क्रिप्टोकाइडिज्म क्रिप्टोकाइडिज्म क्या होती है इसमें जो टेस्टिस है ना टेस्टिस आर अनएबल टू डिसेंड टू स्क्रोटम अगर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस टेस्टिज ना हो पाए, मतलब सेवंथ मंथ डिलीवरी होगी बच्चा बॉय चाइल्ड प्रोड्यूस होगा लेकिन फिर भी उसकी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं आ पाई नॉर्मली क्या होता है जब सेवंथ मंथ का फिटस होता है तो ये टेस्टिस एबडोमन से स्क्रोटम में डिसेंड डिसेंड हो जाएंगे कैसे होएंगे वो आपको डिस बताने वाला हूँ लेकिन ये कंडीशन होती है जिसके अंदर कंडीशन बोल रहा है डिजीज बोल रहा है एक प्रकार से जिसके अंदर जो टेस्टिस हैं वो अनेबल टू डिसेंड इन टू स्क्रोटम और अगर ऐसा हो जाएगा ना अगर क्रिप्टोकाइडिज्म हो गया तो क्रिप्टोकाइडिज्म जो होगा जिसके अंदर क्रिप्टोकाइडिज्म है वो ना स्ट्राइल होगा इट लीड्स टू स्टेलिटी स्टरलिटी स्ट्राइल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो यंग वंस प्रोड्यूस ना कर सके मतलब इसके अंदर इस स्ट्राइल क्यों है क्योंकि इसकी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाई वो एबडोमन में रहेगी और ऐसा होने से जो सपरम फॉर्मेशन है वो इसके अंदर नहीं होगा क्या नहीं होगा सपरम फॉर्मेशन नहीं होगा और ऐसा पर्सन स्ट्राइल होगा स्ट्राइल का मतलब है ये, ये यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो क्रिप्टोकाइडिज्म क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ए कंडीशन इन विच टेस्टिस आर अनेबल टू डिसेंड इन टू द स्क्रोटम ड्यूरिंग द फिटल स्टेज आपको पता है फिटल स्टेज में सेवंथ मंथ का जब फिटस होता है बॉय फिटस उस टाइम पे उसकी एबडोमन से टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाएंगी कहाँ जाएंगी स्क्रोटम के अंदर ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं लेट्स देखो ये एबडोमन है ये डायग्राम देखें एक बार ये एबडोमन है ये बॉय चाइल्ड का बात हो रही है ये एबडोमन है यहाँ पे कैनाल है दिस डिशे कैनाल तो ये ये कैनाल है दिस डिशे कैनाल इस कैनाल से टेस्टिस आ जाएंगे किसके अंदर इस पाउच जो स्किन का पाउच इसके अंदर आ जाएंगे दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम व्हाट इज स्क्रोटम ये एक स्किन का पाउच होता है विच हैंग बिटवीन द लेग डार्क स्किन डार्क पिगमेंटेड या इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है थोड़ा सा बॉडी कलर से डार्क पिगमेंटेड होता है और इसके अंदर ये स्टेस्टिस आ जाएंगी किस कैनाल के थ्रू जो ये कैनाल बचेगी जो ये कैनाल है इस कैनाल को बोलते हैं इंजोनियल कैनाल क्या बोलते हैं इंजोनियल कैनाल तो व्हाट इज इंजोनियल कैनाल तो इट्स ए कैनाल या लाइक स्ट्रक्चर थ्रो विच टेस्टिस डिसेंड इंटू द स्क्रोटम फ्रॉम एवडोम ड्यूरिंग द सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ओके अगर साइज़ ऑफ टेस्टीज की बात करें ये डायमीटर दे रखे हैं आपको याद रख लेना फोर फोर पॉइंट फोर से फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग टू से थ्री सेंटीमीटर वाइड और थ्री सेंटीमीटर थिक होते हैं साइज ऑफ टेस्टीज है ये अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रख लें जो ये टेस्टिस हैं जो ये टेस्टिस हैं दे आर हैंगिंग इन द स्क्रोटम दे आर हैंगिंग इन द स्क्रोटम ये ऐसे ही एंग हो रही हैं जिस प्रकार से मंदिर के अंदर जो बैल होती है वो एंग होती है आप लोगों ने सभी ने देखा होगा मंदिर में एक बैल जो बैल है वो एंग होती है ऊपर एक लंबी सी बेल या चेन होती है जिसके द्वारा वो एंग हो रही है इन द सेम वे टेस्टिस जो हैं वो हैंग हो रही है इस पर टिकी हुई नहीं है हैंगिंग है लटक रही है इन साइड द स्क्रोटम हेल्प ऑफ कोर्ड जिसको हम बोलते हैंड इट्स ए कोर्ड थ्रो विच टेस्टिस आर हैंगिंग इन द स्क्रोटम तो स्क्रोटम में हैंग हो रही है और अगर स्प्रामेटिक कोर्ड की बात करें अगर इस कोर्ड की बात करें जो इंजोनियल कैनाल से ऊपर जा रही है ये इंजोनियल कैनाल के, के थ्रो ये स्प्रेमेटिक कोर्ड है ये इंजोनल कैनाल के अंदर है स्प्रमेटिक कोर्ड जिस जो टेस्टिस से जुड़ी हुई है और टेस्टिस इसके अंदर हैंग हो रही हैं किसके अंदर स्क्रोटम के अंदर अगर स्प्रमेटिक कोर्ड की मैं बात करूँ जो सप्रमेटिक कोर्ड है इट्स मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर ध्यान रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपोजिशन ऑफ स्पर्मेटिक कोड स्पर्मेटिक कोड किस किस की बनी है इलास्टिक फाइबर है वास डिफरेंस क्या होता है बताएंगे अभी आपको इसमें स्प्रमैटिक वेन है आर्टरीज हैं नरव्ज हैं और लिम्फ वेसल हैं इन सभी से इन सभी के एग्रीगेशन को वास डिफरेंस को वेन के आर्टरीज को नरवस को लिम्फ वेसल को इन सभी से मिलके जो ये कोड लाइक स्ट्रक्चर बन गया दैट इज कॉल्ड स्प्रमेटिक कोड ओके okay. अब आगे बात करते हैं स्क्रोटम की किसकी बात करते हैं स्क्रोटम की अगर स्क्रोटम की बात करें डेफिनेशन आपको बार बार बता चुका हूँ ये एक डार्क पिगमेंटेड स्किन पाउच डार्क पिगमेंटेड स्किन का पाउच सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच हैंग बिटवीन द लेग ओके अब अगर इसको इंटरनली देखें इंटरनली जो स्क्रोटम है इसमें इंटरनली एक सेप्टा होता है अगर इंटरनली बात करें एक सेप्टम स्क्रोटी है इंटरनली जो इस स्क्रोटम को टू सेक में डिवाइड कर देगा इंटरनली इंटरनली स्क्रोटम इज डिवाइड इनटू टू सेक लेफ्ट राइट बाय सेप्टम स्क्रोटी तो सेप्टम स्क्रोटी क्या कर रहा है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है इंटरनली दो पार्ट बन जाएंगे आपके दो सैक बन जाएंगी एक राइट स्क्रोटल सैक और एक आपकी लेफ्ट स्क्रोटल सैक राइट स्क्रोटल सैक में राइट टेस्टी और लेफ्ट स्क्रोटल सैक के अंदर लेफ्ट टेस्टिस क्लियर हो गया अब ध्यान रखना इसमें जो एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वाल ऑफ स्क्रोटम है जो ये वाल ऑफ स्क्रोटम है इसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर होते हैं स्मूथ मसल की बनी होती इसकी वाल द वाल ऑफ स्क्रोटम जो वाल ऑफ स्क्रोटम है इट्स मेड अप ऑफ या ड्रमिस या स्किन जो वाल है इट्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल और उन स्मूथ मसल को बोलते हैं डेरोटस ट्यूनिक डरोटस ट्यूनिक किसकी बनी हुई है स्मूथ मसल फाइबर की बनी हुई है और जहां पे स्मूथ मसल फाइबर की बात आ जाए तो आपको पता है जो ये डेरोटस ट्यूनिक है जो वाल को बोलते हैं ड्रमिस को ये इनवोलेंट्री है इसमें कैसी मसल है इनवोलेंट्री मसल है क्लियर अब ये क्या करती है डायरोटस ट्यूनिक क्या करती है इसका काम है स्क्रोटम के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना स्क्रोटम को हैंग करवाना है या स्क्रोटम को ट्वार बॉडी लेके जाना जब ये मसल जब ये मसल रिलैक्स होंगी कौन सी मसल डायरोटस ट्यूनिक के अंदर जो तो स्मूथ मसल हैं जब ये रिलैक्स होंगी तो ये स्क्रोटम है ना डाउनवर्ड आ जाएगी और जब ये डायरोटस ट्यूनिक के अंदर जो स्मूथ मसल हैं डायरोटस ट्यूनिक में जो स्मूथ मसल हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये इसको स्क्रोटम को अपवर्ड लेके जाएंगी तो डायरोटस ट्यूनिक का फंक्शन क्या है जो ड्रमिस है इसमें स्मूथ मसल्स और इसका फंक्शन क्या है स्क्रोटम को डाउनवर्ड या अपवर्ड लेके जाना अब क्वेश्चन है कि डाउनवर्ड और अपवर्ड क्यों लेके जाना होता है स्क्रोटम का काम है होता है थर्मोरेगुलेशन स्क्रोटम इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेटर ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है कितना टू 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 पॉइंट फाइव दो से दो पॉइंट पाँच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर फ्रॉम द बॉडी आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर कितना है थर्टी सेवन और स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो है थर्टी फोर से थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस अब है कि ऐसा क्यों है जरूरत क्या है इसकी क्योंकि स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस स्क्रोटम में क्या है टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर क्या होना है गैमिटोजेनेसिस बोल दो या सपरमेटोजेनेसिस सपरम फॉर्मेशन होना है क्या होना है सपरम फॉर्मेशन और सपरम फॉर्मेशन के लिए किसके लिए सपरम फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है सपरम फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेस्टीज़ का टेम्परेचर भी थर्टी सेवन हो जाएगा तो इसके अंदर सब प्रमफॉर्मेशन नहीं होगा तो ये स्क्रोटम का काम सिर्फ इतना ही है कि इन टेस्टिस को इन टेस्टिस को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना कितना 34 से 35 जब बॉडी टेम्परेचर जब ये एब्डोमेन या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये स्क्रोटम डाउनवर्ड हो जाएगी अवे फ्रॉम द बॉडी जाएगी और ऐसा होने से टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो जाएगा और अगर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर कम होने लग जाए तो ये बॉडी की तरफ से ले जाएगी मतलब बाय हैंगिंग डाउनवर्ड और बाय हैंगिंग अपवर्ड स्क्रोटम क्या करेगी टेस्टिस को ब्रिंग टुआर्ड द बॉडी और ब्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस जो कि जरूरी है किसके लिए सपरम फॉर्मेशन के लिए और अगर ऐसा ना हो ना अगर ऐसा ना हो अगर स्क्रोटम अपना काम ना करे इसकी मसल्स काम ना करें हैंगिंग डाउनवर्ड और हैंगिंग अपवर्ड ना हो तो सप्रम फॉर्मेशन नहीं होगा सप्रमेटोजेसिस नहीं होगा इसलिए नॉर्मली इट इज एडवाइज नॉट टू वियर द टाइट जीन्स स्पेशली टू द बॉयज़ बिकॉज ऐसा होने से क्या होता है जो स्क्रोटम है वो हैंग डाउनवर्ड या हैंग अपवर्ड नहीं हो पाती और ऐसा होने से फिर ऑप्टीम टेम्परेचर टू द टेस्टीज़ नहीं मेंटेन रहेगा और ऐसा होने से परमेटोगनाइस नहीं होगा क्रिप्टोकाइडिज्म में क्या होता है यही तो प्रॉब्लम है टेस्टीज कहाँ रहेगी एपडोमन में और एबडोमन में टेम्परेचर कितना है थर्टी सेवन तो वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा और स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा तो दैट लीड्स टू स्ट्रेलिटी ओके अब अगर बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है एक्चुअली में जो आपकी फिजियोलॉजी है वो यहाँ से क्लियर होएगी अगर आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है तो यहाँ से क्लियर जाएगी अगर जब जब तक आपको हिस्टोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आपको फिजियो नहीं आएगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की अगर बात करें अब ये हमने क्या कर रखा है टेस्टिस का एल एस कार्ड रखा है लॉन्जिट्यूडल सेक्शन ऑफ वमन टेस्टिस है ये तो सबसे पहले बात करें प्रोटेक्टिव कवरिंग की टेस्टिस के अराउंड टेस्टिस के अराउंड थ्री प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं फर्स्ट वन इज ट्यूनिका वेजीनलिस जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है मिडिल वन इज ट्यूनिका एलब्यूजिनिया एंड द इनर मोस्ट कवरिंग इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा जिसको मैं ये कलर जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए है इनको आप ये महसूस ना कि बाहर वाली ग्रीन है नो दीज आर फॉर जस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर मैं ग्रीन वाली को बोलूँ तो ये आउटर मोस्ट है ट्यूनिका वेजीनलिस मिडिल वन इज ट्यूनिका एलब्यूजी एंड इनर मोस्ट इज ट्यूनिका जैसे के नाम से इस है वैस्कुलो क्यों बोलना क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है है इसमें ब्लड सप्लाई होती है अब जो ट्यूनिका एलब्यूजीनिया है मिडल वन इस ये वाइट फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर होते हैं मैंने लिख, लिखा हुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया की इनर फोल्डिंग से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से ध्यान रख लेना ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से टेस्टिस के अंदर जो ल्यूमन था ये लगभग 200 से 300 200 टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड लोब्यूल बन जाएंगे टेस्टीकुलर लोब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल क्यों बने ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया की ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से बने इनर फोल्डिंग ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया इनर फोल्डिंग ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डिवाइड द टेस्टिस इंटरनली इनटू 200 टू 300 टू टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कि एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 सौ से थ्री टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल किसकी वजह से बने हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से पॉइंट क्लियर हो गया दोबारा फिर सुन लो अगर टेस्टीज की कवरिंग की बात करें थ्री कवरिंग है आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजिनलिस या इसको आप पैराइटल लेयर बोल सकते हो बाहर वाली लेयर है विसरल लेयर वन इज ट्यूनिका जो है वाइट फाइबर की बनी होती है और इसकी इनर फोल्डिंग से ही क्या बने हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बने हैं और इनर मोस्ट इज ट्यूनिका वैस्कुलसा जो कि वेस्कुलर होती है जिसमें सप्लाई होती है ओके okay. अब ध्यान से सुनना बेटा अब ईच टेस्टिस में प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 200 से 200 से 300 Lobule lobule मतलब lobe, टेस्टिकुलर लोब्यूल है लोब्यूल मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर लोब स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लोब्यूल और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल किसकी वजह से बने हैं ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से बने हैं ओके okay. और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज वन टू थ्री सेमिनिफेरस टिब्यूल वन टू थ्री सेमिनिफेरस टिब्यूल दोबारा फिर सुन लो टेस्टिस के अंदर 200 से 300 सौ टेस्टिकुलर लोब्यूल और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से तीन एक से तीन सेमिनी फेरेस्टिब्यूल यानी कि अगर मैं इसको एवरेज ले लूँ इसको मैं 250 मान लूँ 200 से 300 का एवरेज 250 और मान लो प्रत्येक में तीन सेमिनी फेरेस्टिब्यूल मान लूँ तो ये लगभग 750 फिफ्टी सेमिनी पर टेस्टिज हो कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ दोबारा फिर सुन लो एज टेस्टिस में टू फिफ्टी टेस्टिकुलर लोब्यूल और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में थ्री सेमिनिफेरस टिब्यूल एस टी मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल तो प्रत्येक टेस्टिस में लगभग सेवन फिफ्टी सेमिनी हो गए और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल ही सेमिनिफेरस टिब्यूल ही इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस टेस्टीज का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना वो क्या है सेमिनिफेरस टिब्यूल है यानी कि जो भी काम होने हैं टेस्टीज के अंदर टेस्टीज ने दो टेस्टीज को टू फंक्शन करने हैं एक गैमिट फॉर्मेशन करवाना है और एक और रिलीज करना है तो ये दोनों के दोनों काम किसका काम है सेमिनिफायरस टिब्यूल का ओके okay. ये सेमिनिफेरस्टिब्यूल दिखा रखे मैंने आपको ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल जी तीनों के तीनों सेमनी फेरस्टिब्यूल हैं कोलेक्टिवली ओपन इन टू ए डिब्यूल ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस टिब्यूल जो ये है, ये ओपन इंटू ए टिब्यूल जो जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टिब्यूल है क्या है टिब्यूल ये दीज टिब्यूल सर्कल ट्यूबलेर एक्टी अब क्वेश्चन है कि ट्यूबलेर एक्टी कितनी होंगी लगभग टू फिफ्टी जितने टेस्टिकुलर लोब्यूल है उतनी ट्यूबलियर एक्टी मिलेंगी क्योंकि प्रत्येक सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर पर, सॉरी प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं और ई वन और थ्री जो एक से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं वो कोलेक्टिवली ओपन इंटू ए डूब स्मॉल डकूबलेक्टी और दीज ट्यूबली रैक्टी दीज ट्यूबली रैक्टी ओपन इंटू एक्ट्रक्चर है किसकी ट्यूबले रैक्टी की ओपनिंग दिखा रखी मैंने ये ओपनिंग है किसकी ट्यूबली रैक्टी की ओपनिंग है ट्यूबली रैक्टी सारी के साथ ओपन हो जाएंगे किस में रिटेटिज में वाइड स्ट्रक्चर है दाल्ड रिटे टेस्टिस और अब इस रिटे टेस्टिज से इस रिटे टेस्टिज से लगभग टेन टू ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी फाइन ट्यूब्स, ये फाइन ट्यूब्स होगी प्रीच थ्रो ट्यूनिकल ब्यूजिनिया, कवरिंग थी ट्यूनिकल उसमें से प्रीचिंग करके सुराख करके बाहर आ जाएंगी किसमें इस स्ट्रक्चर में दैट इज कॉल्ड किस में आ जाएंगे आ जाएंगी दोबारा फिर सुन ले प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्या राइज हुआ टेस्टिकुलर लोब्यूल में पर ते हैं और सभी से कॉमन डक्ट्यूल डक्ट दक्त नहीं बोल रहा कॉल्ड ट्यूबुलर एक्टी ओल्ड ट्यूबुलर एक्टी ओपन इन टू रिटेटीज से टेन टू ट्वेंटी क्या है ट्यूब है फाइन ट्यूब्यूल है लाइक स्ट्रक्चर है अराइज हुई एमर्ज आउट फ्रॉम टेस्टिस टेस्टिस से बाहर निकली बाई प्रीचिंग थ्रोटोनिकल बुजनिया में से सुराख करके प्रीचिंग करके बाहर आ गई किस में एप्रेडिमिस में और ये जो टेन टू ट्वेंटी वास थी दे कोलेक्टिवली फॉर्म ये सारी जुड़ जाएंगी एंड फॉम ए कॉमन डक्ट काल्ड वास वास सॉरी अब प्रत्येक टेस्ट चीज से एक वास ध्यान रखना जो ये वास थी कितनी टेन टू ट्वेंटी ये एपिडिडमिस में आ जाएंगे और ये सारी यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगी और ज्वाइन होने से एक कॉमन स्ट्रक्चर बन जाएगा एक कॉमन ट्यूब बाहर निकलेगी दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस तो ये वास डिफरेंस यहाँ से राइज बाहर निकल जाएगी ये जो वास वास्रेंसिया थी ये मिक फ्यूज कहाँ पर हुई ये फ्यूज हुई बेटा किस में किस में एपिडिडिमिस में एपिडिडिमिस क्या है इसको हम स्टडी करने वाले ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ये था एल एस ऑफ द टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना इट्स माई प्रोमिस टू ऑल ऑफ़ यू एक बार आप अगर वीडियो को ढंग से देखोगे सुनोगे तो आपके डाउट्स नहीं रहेंगी और आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू कि आप अपनी बुकलेट भी कलेक्ट कर लेना घर से आके फिर आपको साथ साथ में रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे इन्जॉय दैट डे वीडियो को आराम से देखें शेयर करें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर टू ऑल जितने मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स हैं उनको सभी को बताएं ये सभी के लिए बेनिफिशियल है ओके okay, बेटा हैव हैवे नाइस डे